लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लंबे लॉकडाउन के कारण पूरे साल भर से स्कूल कॉलेज बंद है और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी है। राज्य सरकार ने फिजिकल एग्जाम्स की घोषणा कर दी है। 23 अप्रैल से 21 मई तक 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है। बच्चे अपने स्कूल में ही परीक्षा देंगे। जाहिर है बच्चे पूरे साल या तो नहीं पढ़े हैं या तो पढ़े हैं, सब कुछ ऑनलाइन ही। एक्सपर्ट मानते हैं कि यह पढ़ाई रेगुलर एग्जाम के लिहाज से पूरी नहीं है और जाहिर सी बात है जब पढ़ाई नहीं हुई है तो एग्जाम की टेंशन तो रहेगी। एक टेंशन और है, स्कूल और कॉलेज संचालक एग्जाम से पहले ही पूरी फीस मांग रहे हैं। टेंशन कोरोना की भी है कि आखिर फिजिकल एग्जाम्स में बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे। इन सब का समाधान क्या है, पेरेंट्स और बच्चों की परेशानी और सरकार और प्रशासन की भूमिका को लेकर आज के सवाल है कार्यक्रम में चर्चा करने वाले। आज के हमारे खास मेहमान है मुंबई के पूर्व महापौर और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले सुधाकर सोनौने साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके बगल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष और मुक्त व्यासपीठ के संचालक दशरथ भगत साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आखिर में हमारे जो मेहमान हैं कमलेश पटेल साहब, आप SSC हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के संचालक हैं और शिक्षा क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लंबे समय से लॉकडाउन था और अब एग्जाम्स की तैयारी हो गई है। राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि भले ही पढ़ाई ऑनलाइन हुई है लेकिन एग्जाम्स जो है फिजिकल होंगे, स्कूलों में होंगे। मैं सोनौने साहब आपसे सबसे पहले सवाल की शुरुआत करना चाहता हूँ, कितना चुनौतीपूर्ण भरा है कि एक तो पढ़ाई नहीं हुई है और दूसरी तरफ अभी ये एग्जाम्स जो फिजिकल हो रहे हैं। चुनौतियाँ तो बहुत है लेकिन जैसे कि हम आप कह रहे हैं कि फिजिकल एग्जाम जब होगी बच्चों की तब आपको पता चलेगा। ये सारी चीजें हम साल भर से लोगों को कह रहे हैं और हरदम मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर हो या मुख्यमंत्री जी हो उनको चिट्ठियां लिख लिख कर कहा है कि स्कूल कॉलेज कोई कोरोना सेंटर नहीं है, स्कूल कॉलेज चालू हो सकते थे और हमने देखा है कि स्कूल और कॉलेज चालू होने से कोई कोरोना फैल नहीं सकता था, लेकिन सबसे बड़ा कोरोना अब फैलने वाला है। कोरोना ये जो महामारी है इससे बड़ी महामारी जो ऑनलाइन जो पढ़ाई हुई है ऑनलाइन के दरमियान कितने बच्चे उस ऑनलाइन से बिगड़ गए हैं। जैसे कि हम कहते थे कि मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों को कई गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। बिल्कुल, हाँ। और अब ऑनलाइन की शिक्षा के चलते तो हमें अच्छी नेट कनेक्शन, अच्छा स्क्रीन वाला मोबाइल, ये सारी चीजें जो है ये अनिवार्य हो गई थी और माँ बाप तो पूरी तरह मतलब बच्चों के साथ बैठ नहीं सकते थे। और जब बच्चे के साथ घर में बैठेंगे नहीं तो ऑनलाइन में बच्चा क्या पढ़ाई करेगा या उसके ऊपर क्या देखेगा, ये सारी चीजें जो है ये आने वाले समय में आपको पता चलेगी। क्योंकि हरदम मैं कहता था जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद में अनलॉक वन हुआ उसके नीचे जो भी अनलॉक वन की घोषणा करता था एक अंडरलाइन आती थी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा है शेड्यूल से होगी। यानी कि ये बात हर बार हम म्युनिसिपल कमिश्नर हो इनके सबके ध्यान में लाके देते थे कि इसको गंभीरता से लीजिए और ये सारी चीजें हमने अपने यहाँ तो गंभीरता से ली है। हमने अपने यहाँ 10वीं के बच्चों को पूरी तरह ऑफलाइन शिक्षा देने का प्रयत्न किया और उसमें हम काफी मात्रा में सफल रहे हैं। लेकिन जो बच्चे निजी स्कूल में है, निजी स्कूल के जो संस्थापक है उनको डर है कि अगर हम ऑफलाइन की परीक्षा बच्चों को अगर चलाएंगे तो स्कूल पे बहुत बड़ा मतलब कुछ एक्शन हो सकता है। गवर्नमेंट डर के मारे उन्होंने वो नहीं चलाया, ऑनलाइन चलाया है और ऑनलाइन का नतीजा जो है वो परीक्षा के बाद ही आपके सामने आएगा, लेकिन अच्छा नहीं आएगा ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। भगत साहब, आप मुक्त व्यासपीठ चलाते रहे हैं पूरे लॉकडाउन में और आपने सैकड़ों पेरेंट्स और बच्चों के भी आपने समस्याएं सुनी है, आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई ये जो अभी जो तरीका चुना गया है वो कितना आपको सार्थक लग रहा है, कितना सकारात्मक लग रहा है? जो जनता को जो तकलीफ हुई है लॉकडाउन में, वो लॉकडाउन में जनता को जो तकलीफ हुई है उसके अंदर विशेष करके विद्यार्थी स्टूडेंट, उसके माँ बाप, टीचर्स, स्कूल्स, इनका जो जो कुछ तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम्स और सुझाव ये गवर्नमेंट को देने के लिए मुक्त व्यासपीठ के जरिए हमने रखा, लेकिन एक भी चीज उसके अंदर गवर्नमेंट ने नहीं सुना। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का कार्यक्रम फिक्स है। इंटरनेट जितना सही है उतना गलत भी है। इच्छा चाहिए ओपन करो,
लेकिन उसके अंदर पढ़ाई कितनी हो, और वो जो एक किशोर वहीन जो बच्चा है वो कहाँ झुका, वो गेम की तरफ गया या पबजी की तरफ गया, तो एजुकेशन किधर था? माँ बाप परेशान थे, कितने तो माँ बाप हमारे पास आके गए कि हम इस ऑनलाइन से ज्यादा परेशान है, क्योंकि बच्चे के पास मोबाइल देते तो टूशन क्लास चालू ही हुआ, बच्चा ये मोबाइल इधर लेके पढ़ रहा है, क्या कर रहा है इधर गेम खेल रहा है, वो ऑनलाइन चालू है, क्लास चालू ऑनलाइन। एक तो 60 बच्चे थे उसके अंदर से 25 बच्चे ज्वाइन हो गए, 20 हो गए, 10 हो गए, जो कुछ बच्चे ज्वाइन हो गए वो इधर बुक रखा है और वो मोबाइल जो सामने रखा है, मोबाइल था ही नहीं, मोबाइल जो है उसके अंदर गेम खेल रहा है वो। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली अब ये जो ऑनलाइन पढ़ाई के बाद जो एग्जाम्स की अभी कंडीशन पैदा हुई है, जो ऑनलाइन तो पढ़ाई जो होनी थी हो गई, जो नुकसान होना था हो गया, अब इसके आगे जो सबसे बड़ी मुसीबत है बोर्ड एग्जाम की, वो कितनी चुनौती पूर्ण? जब पढ़ाई नहीं होगी ऑनलाइन तो ऑफलाइन में लिखेगा क्या बच्चा वो? और लिखेगा जब आप यहाँ कहे कि अप्रैल एंड से लेके मई तक ये एग्जाम चलेगी ऑफलाइन, बच्चे को स्कूल में बिठा के उसको एग्जाम दे देंगे, क्या भरोसा है? कल लॉकडाउन होगा तो क्या करोगे, उसका नियोजन क्या है? आज पैसा है नहीं किसी के पास, किसके पास पैसा? जब उसके पास पैसा नहीं तो ऑफलाइन में एग्जाम को बैठने देगा तो ना, एग्जाम पर बैठने के बाद पैसा भरेगा तो रिजल्ट मिलेगा तो ना, कितनी सारी समस्या है। एक भी समस्या, एक भी सुझाव गवर्नमेंट ने कुछ उसके अंदर कुछ रिलीफ दे दिया। कमलेश भाई, आप स्कूल खुद संचालक हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो ये चुनौती है वाकई कितनी बड़ी है और कितना कठिन है इसको मेंटेन करना, आपको क्या लग रहा है? जो गाइडलाइंस आपके पास आई है वो किस तरह की आई? टेंथ का उन्होंने असाइनमेंट पद्धति किया है, नहीं तो थोड़ा अच्छा है कि बच्चा घर पे होम एग्जाम लिखेगा और यहाँ आके सबमिट करेगा बोर्ड। अच्छा, ओके। जो 12वीं का है वो उसको प्रॉपर कॉलेज में जाके जो फिजिकली एग्जाम देना पड़े, फिजिकल, ओके। और मार्क्स का जो पेपर का जो समय है 3 घंटा है उसको 3.5 घंटा ऐसा समय बढ़ा दिया। यस, 20-25-30 मिनट बढ़ा दिया। तीसरा एक और चीज ध्यान में आती है कि जो 35 मार्क पासिंग था वो अब 25 पे लाया है, यानी कहीं ना कहीं बच्चों को डिमोटिवेट ना हो, साल भर पढ़ने के बाद ऑनलाइन पढ़े या नहीं पढ़ पाए किसी भी कारण, घर पे मोबाइल की असुविधा हो, नेटवर्क की असुविधा हो, अगर उस वक्त पढ़ नहीं पाए तो बच्चे को डिमोटिवेट ना हो और उसके लिए वो पास होने का प्रयास है कि बच्चे पास कम किमान पास हो जाएगा। अगर मैं हमारी स्कूल का कहूँ तो हमने लगभग ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन का पद्धत ऐसे शुरू किया कि बच्चों को घर पे ही एग्जाम लिखनी है। अच्छा। और माँ बाप के सुपरविजन में और वो स्कूल में आके सबमिट करना है, तो ध्यान में आता है कि बच्चों को लिखने की आदत धीरे धीरे छूट गई। दिसंबर से जब हमने शुरू किया तो अभी आते आते बच्चों की लिखने की आदत बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा। यानी पिछले साल के मुकाबले कम हो सकती है बट सुधर गई। तो लेकिन क्या नवीन भाई के दूसरे भी इतने सारे स्कूल कॉलेजेस हैं सब जगह पे, ऐसा कोई यूनिवर्सल तो कोई फॉर्मेट है नहीं? हाँ, ये हो सकता है कि स्कूलों को जो कुछ इस तरह का मार्गदर्शन या ऐसे के बारे में प्लेटफॉर्म अगर दिया होता या गाइडेंस दिया होता तो सभी स्कूलों ने प्रयास किया होगा। सभी स्कूलों ने कुछ ना कुछ प्रयास किया, नहीं कि ऐसा नहीं है, बट जैसे पैरामीटर था डिपार्टमेंट का या नगर पालिका का कि भाई स्कूल चालू नहीं करनी है, तो वो जो पैरामीटर के वजह से स्कूलें कोई भी चालू करने के 2 दिन पहले पेरेंट्स से कंसेंट आ जाता था और 2 दिन बाद ऑर्डर आ जाता था कि भाई आपको चालू नहीं करनी है। अच्छा। तो उसके वजह से स्कूल कहीं ना कहीं सारी व्यवस्था कर लेता था सैनिटाइजेशन से लेके, और फिर वो रोकना पड़ता था क्योंकि प्रशासन के जो अधिकार है कि भाई बंद रखना है तो हम उसके बाहर नहीं जा सकते। बट कोशिश यही रही कि भाई घर से फिर कैसे हम बच्चों से लिखाई पढ़ाई का प्रयास करें। सुनौने साहब को इसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं इस बात को जानता हूँ। सर, जब सारे विद्यालय बंद रहे हैं तब आपने प्राइवेटली बहुत कुछ प्रयास किया कि बच्चे फिजिकली पढ़ाई करें, आपने बहुत सारे व्यक्तिगत प्राइवेटली आपने टीचर्स रखे हुए हैं मैंने जो सुना है, कितना जरूरत थी इसको लेकर? क्योंकि आपने डिमांड भी किया था प्रशासन से कि कहीं ना कहीं फिजिकल पढ़ाई हो,
देखिए यहाँ 99% ऐसी फैक्ट्रिया है जहाँ बस नहीं जाती है, यहाँ अपनी जो सरकारी बस होती है उसमें लोग सफर करते हैं, या तो ट्रेन में सफर करते हैं। आप जाके देखिए, आप माफा में जाइए, घनसोली में जाइए, रबाले में जाइए, भेड़ बकरी की तरह बस में लोग चढ़ते हैं। अगर भेड़ बकरी की तरह चढ़ के लोग फैक्ट्रियां चला रहे हैं तो क्या स्कूल में नहीं जा सकते हैं? हमारा दावा था कि लोक प्रतिनिधि स्कूल चालू करे और सरकार को यह दिखाए कि हाँ हम यहाँ पूरी तरह डिस्टेंस रख रहे हैं, पूरी तरह सुरक्षा यहाँ कर रहे हैं, सारी उपाय योजना कर रहे हैं और हम स्कूल चलाएंगे। हमने तो कहा था हम कुछ बंद नहीं करेंगे, आप जितनी पाबंदी लगानी है लगाइए, हम स्कूल और कंपनियां बंद होने नहीं देंगे। उस प्रकार हमने स्कूल चालू रखा और देखिए जीरो कोरोना है। आप देखिए मेरे वार्ड में कातकरी पाड़ा जो हमारी ये है उसमें जीरो कोरोना है। क्यों जीरो कोरोना है? कोरोना डरता है वहां आने से, क्योंकि आप जितनी खबरदारी लोगे उतना कोरोना से बचोगे। हमने लिए खबरदारी, हमने मास्क लगाए, बाकायदा लोक प्रतिनिधि होने के कारण घर घर में जाके लोगों को मास्क देना, उनको मोटिवेट करना, स्कूल में लाके बच्चों को वहां पर गाइड करना कि किस प्रकार से आपको सुरक्षित रहना है, ये सब हुआ है। और हमने जैसे कि आपने कहा कि प्राइवेट शिक्षकों को देके, हमने देखिए सरकार है, सरकारी बाबू है, पूरा पगार मिल रहा है, वो बोल सकते हैं कि हमें भाई 50% उपस्थिति ये है, तो पगार 50% क्यों नहीं लेते हैं? ये जो बच्चे हैं ये शिक्षा से बाहर होने के लिए, ये नीति नहीं ये राजनीति है, और इस राजनीति के चलते जो कुछ भी षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो गरीब तबके के लोगों को शिक्षा से बाहर करने का, उसका हम यहाँ पर सक्सेस नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों को शिक्षा की ओर लेके जाएंगे, शिक्षा से बाहर नहीं होने देंगे। भगत साहब, जैसे सोनावने साहब कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीतिक एजेंडा था कि जो सामान्य तबके के बच्चे हैं वो ना पढ़ाई कर पाए, आपको लगता है क्या वाकई ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये, जैसे आपने खुद कहा कि कभी कभी लगता है कि ये कुछ फिक्स प्लानिंग है, आपने भी एक तरह से इंडिकेट किया इसको कि ऐसा लगता है कि तमाम शिकायतों सुझावों के बावजूद भी अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं एक एजेंडा लगता है। अभी जिस तरह से सोनावने साहब कह रहे हैं, आपको लगता है वाकई ऐसा ही हुआ है कुछ? इस देश का भविष्य है वो विद्यार्थी है, ये बच्चे है, स्टूडेंट है, ये 2 साल, क्योंकि आगे भी 1 साल तो पूरा गया, मार्च से पूरा गया, अभी भी आगे समझ में नहीं आ रहा है। देश के अंदर 5 जगह इलेक्शन चालू है, लाखों लाखों की सभा है, वहां कोरोना का प्यार नहीं है तो महाराष्ट्र को प्यार है क्या? आज एक लेटर दे दिया, कल अलग से निर्णय ले लिया, परसों अलग से निर्णय ले लिया। मेरा कहना वही है कि आज आप बोले कि 19 अप्रैल से मई तक एग्जाम चलने वाला है, क्या भरोसा कि मुझे आप लॉकडाउन लगाओगे? मुझे क्या करोगे कमलेश जी, क्या वाकई ये कुछ साजिश लगती है आपको, क्योंकि आप तो तैयारी में थे, तमाम विद्यालय चाह रहे थे कि स्कूल चलाए? ऐसा मैं नहीं कहूंगा, बट जैसे शुरुआत में मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, तब सेंट्रल लेवल से जो गाइडलाइंस आई, गाइडलाइन शुरू हुआ और वो कंटिन्यूएशन, फिर बाद में अनलॉक 1 अनलॉक 2 जो कैटेगरी शुरू हुई, बाद में राज्य स्तर पे, फिर कॉर्पोरेशन स्तर पे जो निर्णय लेना चाहिए, अब विभिन्न स्थिति के हिसाब से उन्होंने अपने अपने निर्णय लिए होंगे। MMRDA जोन में ही ज्यादातर लॉकडाउन दिखती है, MMRDA जोन के बारे नहीं, अगर बेलापुर के बाजू में खारघर चलता है तो वहाँ स्कूल चल रही थी, बेलापुर में स्कूल बंद है। तो ये जो पेरेंट्स कई बार हमारे बेलापुर के आगे पूछते थे कि सर कोरोना खारघर से चला गया और बेलापुर में रुक गया है, तो ऐसे कई बार पालकों की दुविधा होती थी। दूसरी दुविधा ऐसी पालकों की कि सर अब बच्चों को स्कूल में ले लो, क्योंकि बच्चे घर पे हाइपर हो गए हैं, बच्चों को खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, जो खुल के मैदान में खेलते थे बच्चे, स्कूल में आने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, बातें करते थे, तो उनकी एनर्जी यूटिलाइज होती थी, तो घर जाके अच्छे से खाना खाना और आराम करना, बिल्कुल। आज वो चीज टोटली घर पे रहना, टोटली वर्चुअल होने की वजह से बच्चे थोड़े से एक माइंड सेट हो गया कि मोबाइल पर ही पढ़ना है, तो पढ़ते समय जैसे सभी ने बताया कि मोबाइल में गेम खेलना या इधर वेबसाइट पे चले जाना, ये समस्या थी बड़े बच्चों को, और ज्यादा समस्या रही होगी। आपको लगता है सोनावने साहब कि क्या बच्चे जब पढ़ाई कर ही नहीं पाए और जो स्क्रीन पे उनकी पढ़ाई हुई वो अनयूजुअल हुई, मजबूरी में पढ़ाई हुई, मेंटली प्रेशर में पढ़ाई हुई, तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा? जैसा कि राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री भरोसा जता रही है कि टेंशन मत लो, मुझे भरोसा है कि आपने बहुत बढ़िया पढ़ा होगा।
बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में शिक्षण पद्धति है उसमें जो चेंज आए हैं वो 16वीं सदी के तरफ लेके जाने वाले हैं। और जैसे कि माना कि उस समय में कुछ जाति जनजाति के बच्चे ही पढ़ पाते थे और कुछ पढ़ नहीं पाते थे, ठीक उसी रास्ते पे हम 21वीं सदी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पिछले साल हमने 10वीं का जो आखिरी पेपर था उसको पोस्टपोन करके उसको प्रमोट कर दिया था। अच्छा। लेकिन 10वीं के नीचे वाले जितने क्लासेस थे सबको प्रमोट किया था, जबकि हमने माना था 2019 में ऐसा आया था कि 8वीं तक के जो प्रमोट करने वाली जो पद्धति थी उसको खत्म करके 5वीं में परीक्षा होगी, 8वीं में परीक्षा होगी और 10वीं में होगी और 10वीं में होगी, तो वो सारा का सारा खत्म हो गया। यानी कि जिसको प्रमोट किया है, जो मतलब फेल होने वाला है उसको भी प्रमोट किया है 9वीं तक। यस, यस, हाँ। तो वो 9वीं वाला बच्चा जिसको प्रमोट किया पिछले साल वो 10वीं में क्या कर पाएगा? जैसे कि यहाँ पर जो शिक्षण क्षेत्र के एक्सपर्ट है या तो वो शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि है वो भी मानते हैं कि जब हमने बच्चों को ऑफलाइन बुलाने का प्रयास किया तो वो राइटिंग पूरी तरह भूल गए थे। Yes, हाँ। अब जो बच्चा लिख ही नहीं पाता है तो वो आपका रिटर्न पेपर किस प्रकार से लिखेगा? Yes, आप ये करो ना, मैंने तो देखा है कि जितने परीक्षाएं जितने इंटरव्यू जितने भी ये ऑनलाइन हुए हैं लोगों को मतलब एट पार मार्क मिले, एट पार मतलब उससे ज्यादा मिले। क्यों मिले? क्योंकि उसको मालूम है, बाजू वाला वो उसको बता रहा है खोल के, गूगल खोल के इसका यानी के सिर्फ गूगल बता रहा है। तो परीक्षा में गाइड लेके जाइए ना, वैसे भी तो ये परीक्षा नाम के लिए है, जैसे कहा है कि किसी प्रकार का सेंटर नहीं होगा, वो स्कूल ही उसका सेंटर होगा। यस, हाँ। तो वो स्कूल किस प्रकार से मॉनिटर कर पाएंगे? तो जितनी स्कूल है वो बच्चों को वही कॉपी कराएंगे और कॉपी करा के पास कराएंगे, लेकिन कॉपी करने के इतना भी वो बच्चा सक्षम हुआ है क्या? ये भी मतलब सोचने वाली बात, ये भी सोचने वाली बात। क्योंकि उसके सामने अगर आप किताब रख दोगे और बोलोगे कॉपी करके लिखो, तो कॉपी बोलते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो वो अकल ही उसके पास नहीं है, वो खत्म हो गई है। तो राज्य सरकार जिस प्रकार से इस शिक्षा नीति का मतलब जो प्रोपोगंडा कर रही है वो शक के दायरे में पक्का है। हमें शक है कि आप इस शिक्षा क्षेत्र से लोगों का मन भटका रहे हो। मैंने कहा था हमारे देश में प्राइमरी के ऊपर पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन आप IIT हो, IIM हो, VJTI हो या JJ हो, इतने जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस है सरकारी, वहाँ आपके इन बच्चों को भविष्य में एडमिशन नहीं मिलेगा। उनका एक जनरेशन खत्म हो गया, और जो लोग चाहते थे कि जिनके हाथ में वो सत्ता जानी चाहिए वो जाती हुई मुझे नजर आ रही है, और ये उनका जो षड्यंत्र था उसमें वो यहाँ सक्सेस होते दिखाई दे रहे हैं। भगत साहब, आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए लॉकडाउन के दौरान। अब उस वक्त भी फीस को लेकर प्रॉब्लम थी कि जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको फीस देनी ही पड़ेगी। पेरेंट्स कहते थे कि भाई जब पढ़ाई हो नहीं रही है तो, और पैसे की तंगी है तो ऐसे में आप माफी दीजिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने तमाम शिकायतें की, फिर अभी वही फंडा हुआ है कि एग्जाम से पहले आपको पूरी की पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी, तभी जाके बच्चों को एंट्री पेपर मिलेगा। आप इसे कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? आज के तारीख में बच्चा, माँ बाप, पेरेंट्स, स्कूल टीचर, संस्था तला, ये सब अब हो गए हैं। उनको ऑन करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या रास्ता है? वो रास्ता पहला ढूंढो, नहीं तो ये ऑन ऑफ के बीच में ये सब ऑफ हो गए, उनको ऑन करो कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, छिड़को क्षेत्र के जितने संस्था चालक है उन्होंने उनके मन से एक बात निकालनी चाहिए कि उन्होंने उनको एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया है कि फीस लेना उनका हक है। हाँ। वो अधिकार है, वो ले लो। वो ऑर्डर दिखा रहा है और लोगों को भय और दम और एक हुकूमत उसके अंदर है। मेरा कहना स्पष्ट है कि वो ऑर्डर साइड में रखो, घटना क्या बोल रहे हैं कि स्कूल का फीस लेना ये तो व्यापारी हो गया। वो इस जगह पे जितने लोग रहते हैं उनसे पैसा ले लिया है, दुकान खरीद लिया है, वो मकान खरीद लिया है, उस पैसे में वो जो जमीन दे दिया वो ट्रस्ट को दिया है, इसलिए इधर व्यापार नहीं है।
उधर लिखा है कि हमें ये जमीन दे दो, हम एक समाज सेवा करना चाहते हैं। तो क्या फीस नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं बोलते 50% कम कर दो, नहीं तो हम जमीन ही सब ले लेंगे। कल ही मेरा झगड़ा हो गया, साधु वासवानी करके स्कूल है, मेरे वार्ड में साधु वासवानी है और जयपुरिया है, बाकी भी स्कूल है। मेरा कहना है कि आप पहला ये दिमाग से निकालो कि आपको जो जमीन दे दी है वो एक सहूलत से दे दी है, रुपए फीट से दे दी है, 2 रुपए फीट से दे दी है। वो जमीन ट्रस्ट को दे चुकी है, एक कंपनी को नहीं। नई मुंबई क्षेत्र के बाहर के लिए ठीक है, वो व्यापार हो गया, इधर व्यापार नहीं है, बिल्कुल व्यापार नहीं है। कमलेश भाई, हमने कहा हुआ कि आप 20% दिए, 10% दिए, आपने 50% देना चाहिए, क्योंकि वो जमीन चैरिटी क्षेत्र के लोगों के लिए दे दी है। यस हाँ। कमलेश भाई, अब कितना आप इससे कितने सहमत हैं, क्योंकि आप खुद आपको भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए आपको जमीन मिली है, सिडको ने दी है, क्या वाकई नहीं लगता कि सिडको ने जिस तरह से जमीन दी है उसके बदले एजुकेशन चैरिटी के लिए जमीन दी गई है, और वहाँ लोकल जो भी उस वेसिनिटी में जो बच्चे हैं उनको रियायती एजुकेशन मिलना चाहिए? रियायती एजुकेशन जैसे कहें तो भाई आजकल तो स्कूल में भी एक अलग प्रकार का एक इंटरनेशनल बोर्ड, तो वो ब्रांड के वजह से लोग 2-3 लाख की फीस रखते हैं। हाँ, हमारी जो कि स्टेट बोर्ड सिलेबस होने के बाद हमारे एरिया में लगभग बाकी स्कूलों के फीस के मुकाबले 25% या उससे भी कम रेशियो है। अच्छा, किसी की लाख होगी तो हमारी उससे 25% के रेशियो में आती है, ऑलमोस्ट सबसे कम फीस है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि जो स्कूल चलाना है, यानी जो स्टाफ का पगार है, प्रोविडेंट फंड है, मेंटेनेंस है, वो पैरेलल चालू है, यानी कहीं पर भी गवर्नमेंट ने ऐसे कोई रियायत का डिक्लेरेशन नहीं किया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कोई रियायत नहीं मिली। हाँ, प्रोविडेंट फंड नहीं भरना है, या जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है कॉमर्शियल रेट में आता है, वो कहीं पर भी नॉन कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल रेट में नहीं है स्कूलों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो बहुत बड़ा है। आप बस के ड्राइवर हो, क्लीनर्स हो, बस की फीस बिल्कुल भी कोई मांग नहीं रहा है, बट उसको जुड़ा हुआ बस के ड्राइवर्स है, क्लीनर्स है, बस के हाउसकीपिंग होते हैं, बस का एवरी ईयर का रिरजिस्ट्रेशन होता है, उसका इंश्योरेंस होता है, ऐसी कई चीजें हैं जो उसका चालू है खर्चा, गार्डनिंग है, जो भी मेंटेनेंस है वो पैरेलल चालू, यानी खर्चा रुका नहीं है। खाली यही है कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो उनको ऑफलाइन पढ़ाने, उस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी का या जो रूम का कंजम्पशन होता था वो कम हुआ है। यस हाँ हाँ, बट उस वक्त शायद 1,20,000 बिल आता होगा तो आज 60 के करीब आता है, बाकी कहीं पर भी कोई चीज की कमी नहीं हुई है। इसलिए मतलब फीस लेना कंपलसरी है? आप मैं कंपलसरी नहीं कहूंगा, बट जो स्कूल अपने स्तर पर जो कुछ कम कर सकती है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश था कि आप अपने स्तर पर जो कुछ कम कर सकते हैं, यानी बैलेंस करने के लिए, जो आज पेरेंट्स जिन 5% पेरेंट्स या जिनका सच में नुकसान हुआ है इस दौरान 5% पेरेंट्स का, उनको आप कैसे रियायत दे सकते हैं, इसके बारे में जरूर सोचिए। बट क्या होता है कि 5% पेरेंट्स के साथ साथ में कुछ 90% पेरेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि हमें भी सहूलत उसकी मिल जाए, और उसी के वजह से कई स्कूल मैनेजमेंट ऐसे सोचते हैं कि भाई फीस बिल्कुल भी नहीं आएगी तो संचालन कैसे होगा। अच्छा, मैं आपसे भगत साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं? बात यही है कि स्कूल ने दफ्तर के पीछे कितना पैसा कमाया कोई नहीं बोला, इतना सालों साल कपड़ा ले लिया, कपड़ा स्कूल से ले लो, दफ्तर बुक स्कूल से ले लो, टाइक बुल स्कूल से ले लो, जूता स्कूल से ले लो, सब स्कूल से ले लो, इसके अंदर इतना साल कमाया, वो साल में उसने 2 प्लॉट किया 3 प्लॉट किया कारखाना, वो कुछ बोलने रहे, लेकिन इस साल लॉकडाउन बोले हम डूब गए, खत्म हो गए, अरे कितना कमाए वो क्यों बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है? वो मेरा कहना वही है कि आपने इतना साल कमाया, आपने दिया भी, हम ना नहीं बोल रहे, लेकिन जो कमाई एक साल तो बच्चे को दे दो, जिसकी वजह से आपका एक फ्लोर था वो 4 फ्लोर हो गए, एक स्कूल था वो 4 स्कूल हो गए, कैसे हो गए स्कूल, कहाँ चले गया पैसा? ये तो 1-2 साल के लिए मुफ्त देने के लिए क्या फर्क पड़ता है, इतने बड़े बड़े सेठ लोग हैं इसके अंदर, एक भी गरीब दिखाई ना उसके अंदर, जो स्कूल संचालक चालक मालक है ये तो खुद का मालक कहते हैं, ये तो ट्रस्ट है। मेरा तो कहना है कि जिस बच्चे को एडमिशन दिया उसको तो ट्रस्ट में ले लो पहला, क्योंकि मेंबर दे दो उसको,
उसका भागधारक बनाइए उसको, क्योंकि वो जमीन के मालिक आप नहीं हो, इस जमीन के मालिक, उस बिल्डिंग के मालिक ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट के माँ बाप है, एक साल के लिए छोड़ दो, दो साल के लिए क्या फर्क हो जाएगा। सुनाना साहब, भगत साहब ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि ये सारा विवाद अगर देखें तो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच में ये सब उलझ रहा है। सरकारी विद्यालय इतने अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि माइंडसेट बन गया है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ते नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि आपने एक अलग एक्सेप्शन पैदा कर दिया है कि सरकारी विद्यालय की भी पढ़ाई नंबर वन हो सकती है। वो आपका एक्सेप्शन अगर छोड़ देते हैं आपके विद्यालय का, तो अधिकांश सरकारी विद्यालयों की पढ़ाई को लेकर बहुत ही पेरेंट्स के मन में असमंजस होता है, और इसीलिए प्राइवेट स्कूलों का जाल मुंबई में फैला। और शायद यही वजह है कि जिस तरह से सिलेक्शन हुआ है, जिस तरह से हमने च्वाइस हमने रखी कि हम प्राइवेट स्कूल में ICSE बोर्ड में पढ़ाएंगे, CBSE बोर्ड में पढ़ाएंगे और स्टेट बोर्ड में पढ़ाएंगे, तो ये जो कैटेगरी तय की गई, आपको नहीं लगता है कि यही सबसे बड़ा एजुकेशन का सबसे बड़ा कारण है कि हमारी च्वाइस के कारण हमको मजबूरी में छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करना पड़ रहा है? देखिए, जब भविष्य की बात आती है, भविष्य देश की हो, आपकी हो, आपके परिवार की हो, आपके बच्चे की हो, भविष्य एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में नहीं बिगड़ती है। यस, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि ये जो शिक्षा का निजीकरण है, इसका विरोध करो। आज शिक्षा का निजीकरण आप अगर विरोध करते, सरकारी शिक्षा होती तो ये सरकारी बाबुओं को, सरकारी शिक्षकों को पगार मिल रहा है, लेकिन निजी स्कूल में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, मैं संस्था प्रमुख को पूछना चाहता हूं कि आप कितने शिक्षकों को वहां पगार देते? अरे महीने में 2,000 या 5,000 उनके खाते में डालते, पूरा पगार किसी को नहीं देते। जो मराठी माध्यम की स्कूलें हैं जिनको सरकार का अनुदान मिलता है उनको पगार मिल रहा है, लेकिन बाकी जो CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, उनके शिक्षकों की हालत आप देखिए, 12-12 घंटा वो ऑनलाइन में खड़े है लेकिन वहां पगार नहीं है, और सरकारी लोगों को है। तो आप रोते क्यों हो? संस्था आपने चालू की है ना, आपको ऐसा लगा कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे लेके जाएंगे, देश को आगे लेके जाएंगे, तो 30-50% फीस में माफ करने के लिए भी आप रो रहे हैं। उस समय तो आपने सरकार से जमीन ले ली, सरकार से सारी चीजें ले ली, और लेने के बाद में आज बस लूटपाट मती हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आज जो सरकार ने 33 साल के बाद में शिक्षा नीति में जो परिवर्तन किया है वो कितना घातक होगा वो आज पता नहीं चलेगा, फिर 33 साल के बाद में पता चलेगा। अगर किसी फार्मर का, किसी गरीब का, जैसे कि आज भगत साहब यहाँ पर सारी जमीन सिड़कों को दे चुके हैं, उनके पास कोई जमीन नहीं है, ना कोई उत्पन्न का साधन है उनके पास, इस प्रकार से वो अपने बच्चों को अगर इंजीनियर बनाना चाहते है, डॉक्टर बनाना चाहते है, क्या वो बना पाएंगे? वो नहीं बना पाएंगे। ये भूल हुई थी हमारे मतलब 80 के दशक में, वो भूल फिर एक बार हम आज करने जा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि संस्था चालकों को यहाँ पर जमीन स्कूल चलाने के लिए दिए, व्यवसाय करने के लिए नहीं दिए है, इस बात को आज भी आप समझ जाइए, क्योंकि वो पूरी ताकत के साथ बता नहीं पा रहे हैं। इस ताकत को, इस शब्द को समझना चाहिए। अधिकांश जो शैक्षणिक संस्थान चलाए जा रहे हैं सब बड़े बड़े नेताओं के हैं, जो सरकार में मंत्री हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, तो इनकी जांच कैसे होगी भगत साहब? कैसे, क्या आपको लगता है कि? मैं आपको बताऊंगा, भगत साहब को मैं इतना कहूंगा कि हमारा देश और हमारा देश का कानून जो है, जितने न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं, हमारा पूरा भरोसा है उनके ऊपर, वो न्याय देंगे, लेकिन हकीकत में हमें कानून के बारे में कितनी जानकारी है? संविधान का पूरा पठन होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, तब जाके आपको कहां किस प्रकार की कंप्लेंट करनी है। मैं आपको बताता हूं कि आप जो पोर्टल में कमिश्नर के इसमें फोटो निकाल के डालते हो, तो दूसरे दिन वार्ड ऑफिसर दौड़ के आता है, वहां बिल्डिंग तोड़ने के लिए आता है, गटर साफ करने के लिए आता है। इसी प्रकार से आप जितने भी शैक्षणिक संस्थानिक है उनके बारे में लिखिए चिट्ठी, अगर नहीं जांच होगी तो मैं मंगता हूं हारने को तैयार हो। लोकतंत्र को समझिए आप। भगत साहब, जो सुनाने साहब कहना है कि पूरी तरह से अभी भी जनता जो है उसकी शिकायत नहीं कर रही है या अपनी आवाज नहीं उठा रही है, शायद कानून की जानकारी कम है इसके लिए ऐसा हो रहा है, आपको क्या लगता है? वाकई अब इसके खिलाफ जब तक आवाज नहीं उठेगी कोई न्याय नहीं मिलेगा? पहला मुद्दा ये मेरा क्लियर कर रहा हूँ कि ये मुद्दा यहाँ रख रहा हूँ कि बच्चों की स्थिति कैसी गंभीर है। रह गया सोना साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम बोल रहे हैं हम यहाँ की जमीन, हमारा जमीन छीन लिया, हमारे खेती में कॉलेज बने हुए है, उच्च एजुकेशन संस्था बनी है, जब मेरी बच्ची जब MD क्या एजुकेशन ले रहे है, MBBS हो गए के बाद MD के लिए हमने प्रयास किया,
डीवाई पाटिल और एमजीएम हॉस्पिटल। लेकिन गवर्नर कानून क्या है कि जितना एमडी का जो सीट्स है गवर्नमेंट तय करेगी। आज मेरी बच्ची जलगांव में पढ़ रही है, मेरे घर के सामने मेरा कॉलेज है, घर के सामने मेरा एजुकेशन संस्था है, मेरे खेत में है और मेरी बच्ची ये जलगांव में पढ़ रही है। कौन सा कानून है ये? कानून बनाने वाले ने थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उसके गांव के नजदीक जो कॉलेज आए तो उनको प्रेफरेंस दे दो पहला। उसको क्यों इंडिया में भगा रहा है? Yes. उसको क्यों जिला में भगा रहा है? वो कानून, वो जब आपने कुछ कानून बनाया उस कानून में बनाते समय थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए थी उसकी। सर आपने सही कहा कि बिल्कुल भी स्थिति होनी चाहिए कि जो नजदीकी है। सोनोन साहब बोल रहे हैं कि कानून का जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं, हक और अधिकार इतना भयानक है कि ये जो दुख है आज, ये दुख इतना दुख है। हम नेता खुद को बोलते, बहुत बड़े बड़े नेता हम बोलते, हम नेता है, नेता काय का नेता? जब मेरा, जब हम हमारे बच्चे को न्याय दे सकते हैं कि फिर हम लोगों को क्या न्याय दे सकते हैं? Yes. जो बच्चा मेरा यहाँ मकान लिए है, दुकान लिए है, ये शहर में आप रह रहे, आप भी इस शहर में रहते हैं, अपने दुकान यहाँ का हक आप स्थानिक है, भले आप भूमि पुत्र है तो आप लीज पुत्र है। ये कॉलेज बनाने के लिए आपने पैसा दे दिया है, लेकिन आपके बच्चे कोई अमृतसर में पढ़ रहे हैं। यस, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि अब पेरेंट्स जो है सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरने लगे हैं। इसके लिए दोषी कौन है? सरकार है, नीतियां दोषी हैं, या कि स्कूल संचालक हैं वो दोषी हैं जिनकी वजह से ये नौबत आई है कि पेरेंट्स और बच्चों को अपने अधिकारों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। देखते रहिए आप टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम सवाल है में। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स है उसकी चुनौतियों को लेकर, पेरेंट्स और बच्चों की टेंशन को लेकर, और फीस वसूली के लिए जो घमासान मचा है उसको लेकर क्या है इसका समाधान। सुनौने साहब क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वाकई ये जरूरी है कि जिनके पास पैसा नहीं है अब वो बोर्ड एग्जाम में बच्चे नहीं बैठ पाएंगे? क्या इस तरह का कोई प्रोविजन है क्या वाकई? मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जो कुछ भी नीति होती है उस नीति के आधार पर देश वो जाता है, और वो नीति अपनाने के समय आज के हालात क्या है, आज के हालात हम देख पा रहे हैं। जो आदमी समाज सेवक कहता है, खुद को लोक प्रतिनिधि कहता है, तो उसे लोकतंत्र में आने वाले 25-50 साल की जो है जानकारी होनी चाहिए किस प्रकार से विश्व में डेवलपमेंट आएगी, और उस समय हमारा देश कहाँ होगा, हमारे देश का युवा कहाँ होगा, हमारे देश का स्टूडेंट कहाँ होगा। मैं कहता हूँ कि सरकारी जो बड़ी बड़ी हमारी संस्थाएं है उस संस्था में सीट 100 है, 200 है, और हमारे पास 2,00,000 बच्चे है, तो 2,00,000 में 19,99,000 जो है वो निजी कॉलेज में है, और निजी कॉलेज की फीस जो है वो तय करने का अधिकार उस संस्था को दिया गया है, यानी कि सरकार ने अपना पल्लो वहां पर झटक दिया है, जबकि हमारे देश के संविधान में ऐसा लिखा गया है कि 6% हमारे देश के बजट के हमने प्राथमिक शिक्षा के ऊपर खर्च करने चाहिए। हाँ, कि जब हम प्राथमिक शिक्षा पे खर्च नहीं कर रहे, वो सारा का सारा खर्च हम लोग दूसरी जगह कर रहे हैं और निजीकरण किया है। म्युनिसिपैलिटी का बच्चा वहां चल नहीं पाएगा क्योंकि आपका उसके ऊपर ध्यान नहीं है, और प्राइवेट जो है 2,00,000 फीस देने वाला वो वहां की जो फ्री वाली सीट है वो हथिया लेगा, यानी गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर बनता जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से शिक्षा को यहाँ पर शिक्षा बिक्री केंद्र में परिवर्तित किया जा रहा है उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। शिक्षण हे महत्वपूर्ण आहे, अन्न वस्त्र निवारा सारखाच अगदी महत्त्वाचं आहे, आणि त्यामुळे ते जर तुम्हाला मिळत नसेल, ब्रिटन सारख्या ठिकाणी लोक रस्त्यावर उतरतात आणि सांगतात की शिक्षण सुरू झालं पाहिजे, शिक्षा सुरू होनी चाहिए, तो हम भी कहते हैं अगर इस प्रकार से हर पेरेंट कहेगा ये मेरे बच्चे का अधिकार है, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, और आप आंदोलन करो, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को स्कूलें चालू करनी पड़ेगी। कमलेश भाई, क्या क्या जो ये सवाल उठ रहे हैं कि आंदोलन के लिए अभी पेरेंट्स को और बच्चों को उतरना पड़ रहा है, इसकी नौबत क्यों आ रही है, क्या वजह, क्या लगता है आपको कि आप स्कूल संचालक हैं कि पेरेंट्स गलत हैं
जो डिमांड कर रहे हैं वो गलत डिमांड है और जबरन फीस जो वसूली का जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। 5% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको सच में तकलीफ है और उस अपने स्तर पर जो संस्था पर 5-10% जो भी पेरेंट है उनकी सुविधा करके देनी चाहिए। और हालांकि जिन पेरेंट्स ने ऑलरेडी एक कुछ ऐसे स्कूल जिसको हम स्टेटस सिंबल भी कह सकते हैं, एक बोलने के समय मेरा बेटा या मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है जिसकी फीस 2-3-5 लाख है, फिर वहाँ जो असुविधा हो रही है भी उसके लिए तो कहीं ना कहीं हमने इस चीज को सिलेक्ट भी खुद चॉइस किया है। इतनी महंगी स्कूल को हमने सिलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं थी। आज जो उन्होंने साहब बराबर कह रहे हैं कि अगर सरकारी स्कूल में इतना अच्छा एजुकेशन देने का वो प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में स्टेट बोर्ड भी अच्छा सिलेबस और एजुकेशन दे रहा है, सीबीएसई भी अच्छा दे रहा है, बट आपने अगर चॉइस ही पहले से ही आपने एक एक्सक्लूसिव चॉइस करके रखा है और फिर उसका विरोध भी हम कर रहे हैं तो वो थोड़ा विरोधाभास है। भगत साहब क्या लगता है आपको कि क्या वाकई कुछ पॉलिसी में, जैसे आपने पहले भी कहा कि कानून तो है लेकिन आपको लगता है कुछ चीजें सुधारने की जरूरत है, कुछ पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है और शिक्षा को यूनिवर्सलाइज करने की जरूरत है? बात हो रही है कि पॉलिसी कौन बना रहा है और जो ही संस्था चले गए वही पॉलिसी के पॉलिसी बना रहा है, तो पॉलिसी किसके लिए बनाई है, संस्था किसकी है? सब नेताओं की और अधिकारियों की संस्था है तो पॉलिसी किसके लिए बनेगी? विद्यार्थी के लिए बनेगी या संस्था चालक के लिए बनेगी? तो पॉलिसी के ऊपर हमारा कुछ भरोसा नहीं है। अच्छा, फीस देने का 5 लाख से लेके 1 लाख तक, लेकिन बच्चा पढ़ने की जिम्मेदारी माँ बाप की है और हमारे भी माँ बाप ऐसे है हमारे जैसे वो स्कूल में डालते हैं। हमने तो बोलना चाहिए ना भाई कि पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है, मगर वो माँ बाप जब ओपन डे में जाते है रोता है माँ बाप कि आपका बच्चा पढ़ने, हमने उसे बोलना चाहिए ना कि बर फीस हमने इसीलिए दे दिया है कि रीजन आपको देना है, इसलिए बच्चा आप क्या डाले है स्कूल में। एक सेकेंडली बात यह है कि आज जिस स्थिति है, गंभीर स्थिति है कि स्कूल से जितना बैंक से फोन नहीं जा रहा है, जिसका कर्ज होता है, बैंक का कर्ज होता है, उससे ज्यादा वो कर्जदार को जितना फोन जाता है तो उसके 4 गुना फोन स्कूल से जा रहा है क्योंकि हमारे पास माँ बाप आते हैं, रोते हैं। यस, जैसे सुनौने साहब कह रहे हैं कि गुस्सा इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम अपना अधिकार और कानून नहीं जानते, क्या वाकई ऐसा है कि सुनौने साहब कानून अपना और नया अधिकार नहीं जानने की वजह से लोग खामोश हैं? मैं तो मानता हूं कि ऐसा ही है क्योंकि जब तक आपको आपके मूलभूत अधिकारों की जानकारी नहीं मिलेगी, आपको संविधान के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक आपको इस प्रकार से ही ये जो हालात है इसको बेकाबू होता हुआ देखने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार से जो सरकारी सिस्टम है जो आज देते कि मैं तो मजबूर समझता हूँ अपनी बेचारी शिक्षा मंत्री, मुझे तो रोने को आता है उनको देख के, ऐसा लगता है कि वो बेचारी क्या कह रही है, जैसे कहते समाप्त हो जाता है वैसे फिर एक बार कोई कागज आके कह जाते हैं कि अरे शुरू नहीं अब बंद करने वाले हैं, यानी कि शुरू करने की घोषणा होते ही वो जब तक पहुंचती हम तक तब आता है दूसरा एसओपी आता है कि बंद किया जाएगा। पहले लॉकडाउन अनलॉक में कहा है कि आप जो पेरेंट और स्टूडेंट जो है उनका आप अंडरटेकिंग लीजिए, अगर माँ बाप कहते हैं कि हमको ऑफलाइन शिक्षा करनी है तो उनको स्कूल में जाने दो, लिखा है कि नहीं लिखा है? आप देखिए ना, ये ना आप पढ़ना ही नहीं चाहते, हवा में बात बस, हमको किसी ने कहा इस जाति के आदमी ने घोषणा की है बस हम उसमें जाएंगे, हम पढ़ते नहीं है। अनलॉक 1 में कहा है, अनलॉक 2 में कहा है, अनलॉक 3 में कहा है। सर क्या बोलना चाहते हैं? अगर वहां आप कहो कि हाँ पेरेंट्स ने लिख के दिया है मेरा बच्चा ऑफलाइन जाएगा, मेरे माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी, अब सरकार की घोषणा है मैं जिम्मेवार हूँ, मेरा बच्चा मैंने स्कूल में भेजा है, मैं जिम्मेवार हूँ, जो होगा उसमें देखा जाएगा, ये चीज को आपको समझना चाहिए। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, मेरे बच्चे की जिम्मेदारी है तो मेरी अपनी जिम्मेदारी पर मेरे बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए। सुनान साहब बात कि आज इस शहर में बहुत सारे विद्वान है, उसके कदर करते हैं हम, कौन विद्वान है, बहुत सारे विद्वान है, उनके पास ज्ञान भी है, कानून की जानकारी है, हक और अधिकार की भी जानकारी है,
लेकिन स्कूल के आगे गुस्सा नहीं आ रहा है, उसका एक कारण है एक्सटॉर्शन, दहशत, भीति। क्योंकि मैं जब स्कूल को फीस नहीं दूंगा या स्कूल के अगेंस्ट कुछ बोलूंगा तो मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, मेरे के बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ये डर, ये भय उस विद्वान लोगों के मन में पैदा किया है, ये सच है। ये लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि भय खत्म करे, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भय को खत्म करे। इसके अंदर खुद को हिम्मत करना चाहिए, क्योंकि उसके मन में डर बैठा है कि मैं स्कूल के बारे में कुछ ज्यादा कुछ बोलो या फीस न दे दो तो मेरे के बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हमें हरेशमेंट करेंगे, वो साइड में रखेंगे, फिर उसको नोच देंगे, उसका इंसल्ट करेंगे बच्चे के। ये जो माँ बाप के मन में इतना डर पैदा हुआ है और ये डर निकालने के लिए माँ बाप ने हिम्मत क्या करना चाहिए कि जब फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक जब नर्सरी में एडमिशन होता है तो माँ बाप की एग्जाम होती है। हम जब स्कूल में डाला थे हमारे माँ बाप की एग्जाम नहीं लिया, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक जो उच्च विभूषित लोग है, जो श्रीमंत है, मैं कॉर्पोरेशन की स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप निजी अलग वर्ग है, हाँ यस, आप निजी प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हैं, अलग वर्ग है, एससीसी बोर्ड में जो मध्यम वर्ग है उसको एक अलग क्लास है, लेकिन जो विद्वान है, जो श्रीमंत है, वो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका क्योंकि उनकी फैमिली एजुकेटेड है, नर्सरी से लेकर स्टैंड से 10th स्टैंडर्ड तक बच्चे के वो पढ़ा रहे हैं, और रिजल्ट किसका किसको मिल रहा है, रिजल्ट का बेनिफिट स्कूल को 100%। लेकिन माँ बाप ने सोचना चाहिए ये स्कूल का रिजल्ट नहीं है, वो माँ ने मेहनत ली है, वो पेरेंट्स ने मेहनत ली है उसको पढ़ाने के लिए, तभी ये सोचेंगे कि ये हमारी मेहनत है, ये स्कूल की मेहनत है, तभी वो डर खत्म होगा। डर खत्म होगा, आपको लगता है कि वाकई ये डर को खत्म करने का सही रास्ता है कमलेश जी? कुछ स्कूलों का तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना एक्सटॉर्शन जैसा रहेगा करके, मुझे तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है चीज का। हाँ ये है कि अगर मैं अपने स्कूल का कहूँ तो कुछ फोन हमारे यहाँ से भी गए थे, कुछ पेरेंट्स ने ऐसे कहा कि हम फोन का वेट कर रहे थे, हमें भरना था बट लीगली कुछ अभी तक डिपार्टमेंट से कुछ आया नहीं, डिक्लेयर नहीं हुआ, डिक्लेयर नहीं हुआ तो हम नहीं भर रहे थे। तो ऐसे कई लगभग 80% ऐसे भी थे कि लोगों ने बोला कि हमें भरना था बट कुछ सर्कुलर आया नहीं तो हम वेट कर रहे थे। 20% पेरेंट ने आके लिखकर उन्होंने बताया कि भाई हमारी तकलीफ है अभी, हम 4-6 महीना 12 महीने के बाद भरेंगे, या अब अगर उसमें कुछ कंसेशन दे सकते तो समय मर्यादा दीजिए। और वो एक सर्वसामान्य जैसा एक परिवार की तरह जो चर्चा हो रही थी उसी तरह से उसको रिजोल्व किया जाता है, यानी एक जो एक संस्थापक मेरी ओर से जो होता है वो परिवार की तरह ही सुलझाया जाता है, क्योंकि वो जो परिवार है वो भी हमारे ही परिवार है, बच्चे है वो हमारे बच्चे, यानी आज जैसे हम माँ बाप सोने का बैग किसी को नहीं दे सकते बट बच्चा हमारे पास देके जाते हैं, तो क्योंकि वो उतना विश्वास है कि ये स्कूल में जाने के बाद बच्चा मेरा सिक्योर है, सेफ है और अच्छा पढ़ेगा। जहाँ भी दशरथ भाई ने अभी बात की क्लास, तो ये जो शिक्षण क्षेत्र में जो क्लास होता है ना ये नहीं होना चाहिए। अगर ये क्लास हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलत है, क्लास ही क्यों हो रहा है, शिक्षण में क्लास क्यों होता है? तो गांव के स्कूलों की सुधारने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हम लोक प्रतिनिधि की हमारी है, क्यों ना हम उस स्कूलों को सुधारें और अच्छे शिक्षण बनाएं। आपने बहुत बढ़िया, मेरा सवाल एक्चुअली वही था कि क्या आपको लगता है कि निजी और जो प्राइवेट स्कूल है जो बड़ा बड़ा स्टेटस लेकर चल रहे हैं उनकी मनमानी को रोकना है तो सरकारी विद्यालयों को बेहतर एजुकेशन का सेंटर बनाना चाहिए? मैं तो पुनः ये कहूंगा कि उनकी मनमानी है ही नहीं, हम सामने से वहां जा रहे हैं, 3 लाख की फीस है, 5 लाख की फीस है, हम वो देखकर जा रहे हैं। मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है जिसकी फीस इतनी है, बोलने के समय माँ बाप वो दोनों चीज बाद में बोलता है। अच्छा, कि उस स्कूल में पूरी एयर कंडीशन है, वो बस एयर कंडीशन है, ये हम सामने से सब बता रहे हैं, मतलब हम चॉइस कर रहे हैं, हम पढ़ाने भेज रहे हैं या उसको मॉल में भेज रहे हैं। यस यस, तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छा बनाना बहुत जरूरी है,
मेरा हमारा एक प्राइवेट संस्था कोई अच्छी संस्था है उनमें से भी कोई अगर अच्छा योगदान देता है और सरकारी स्कूल अच्छी बनती है तो इससे बेहतर कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ये सर हमेशा एक चीज पे भय होगा सुधान साहब प्रिंसिपल से, हमेशा हम फीस देंगे लेकिन आपका जो रिसेप्शन में जो डेकोरेशन किया है इंटीरियर किया है लाखों करोड़ का किया है उसका आप क्यों दे दो? हम क्लास का ये क्लास जो क्लास है उनका स्टडी क्लास है वो क्लासरूम है वो क्लासरूम का हम दे देंगे ना फीस? प्रिंसिपल का भव्य इंटीरियर है ऑफिस है फर्नीचर है वेयर फर्नीचर है उसका फीस क्यों हम दे दो? उसका एसी का खर्चा क्यों दे दो हम? चार चार लगाए एसी, वो जो इंटीरियर है ये जो डेकोरेशन है वो डेकोरेशन का अट्रैक्शन का पैसा अट्रैक्शन से हमारे बच्चों को क्या मिल रहा है? क्या कहना चाहेंगे सुनाने साहब, इस मनमानी का अंत कहाँ है? मनमानी का अंत आपके पास है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको पूरा स्वतंत्र दिया गया है, आपको क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किस स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो ये सारी जो चीजें है वो आपके ऊपर निर्भर करती है। आपको हमने तो नहीं कहा था कि आप निजी स्कूल में जाइए और फिर वहाँ फी के लिए झगड़ा कीजिए। आप यहाँ सरकारी स्कूल में आके भी इसको बहुत अच्छी तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये सारा छोड़ दो, आप सरकारी स्कूल में जाओ, सरकारी बस में चढ़ो, सरकारी ट्रेन में चढ़ो। अभी सरकारी ट्रेन भी नहीं बची है, शायद वो भी कुछ दिन के बाद में प्राइवेट हो जाएगी। तो जब तक ये हमारी जिम्मेवारी है ना, आने वाले समय में इससे और बुरा हाल होगा। आखिरी सवाल, आखिरी कमेंट, छोटा छोटा कमेंट चाहिए। शिक्षण विभाग इस तरह की मनमानी को लेकर निगरानी करता है, मॉनिटरिंग करता है, तमाम शिकायतें होती हैं, आप उसे भूमिका को किस तरह से देखते हैं? क्या शिक्षण विभाग की भूमिका सही रहती है? शिक्षण विभाग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, समय समय पर अगर कोई लोक प्रतिनिधि जाते हैं तो उनको नोटिस देना और उनको जो अपने स्तर पर न्याय कर सके, क्योंकि बीच में जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया उसके बाद जो स्कूल अपने स्तर पर जो सुविधा दे सकता है उन जरूरतमंद बच्चों को, मैं स्पेसिफिक वर्ड यूज करूंगा, जरूरतमंद बच्चों को जो सुविधा दे सकता है उतना देने का प्रयास करें, ऐसा उन्होंने कहा। भगत साहब क्या कहेंगे आप, शिक्षण विभाग की भूमिका कितनी आपको सार्थक? मेरा एक सुझाव है कि हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि मेरे बच्चे को यही एडमिशन दिलाओ, यही स्कूल में दिलाओ, यही स्कूल सही है, यही अच्छा है। मेरा एक सीधा साझा उनको सजेशन है, उनका आपके आपके पति पत्नी आप पढ़े हुए हैं ना, तो आपका बच्चे को आप ही पढ़ाओगे, स्कूल नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए आप कौन से भी स्कूल में डालो, मैं तो सादा स्कूल में डालो, आप ही पढ़ाने वाले। मेरा सुझाव ये है, स्कूल की चॉइस मत रखो, ये मेरा एक एक सुझाव है। जो शिक्षण क्षेत्र है उसके अंदर बहुत सारे बोलने की बहुत सारे सुधार की जरूरत है, सुधार बहुत सारे। सुराने साहब क्या आखिरी कमेंट क्या कहेंगे, शिक्षण विभाग की भूमिका कितनी सार्थक दिख रही है आपको? शिक्षण विभाग की भूमिका तो डामाडोल है। या मैंने आपको एक मतलब उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में एक शाला बाह्य विद्यार्थी का सर्वेक्षण हुआ है। तो मैंने कहा कि भाई एक राज्य सरकार के सचिव ने एक पत्र निकाला और शिक्षा कमिश्नर ने उस पत्र को नीचे भेज दिया, हमारे यहाँ के शिक्षा अधिकारी ने उसको अपने कागज पे लेके साइन करके भेज दिया कि इसका करो। मैंने कहा कि भाई इस साल तो कोई बच्चा स्कूल में गया ही नहीं, तो आज की परिस्थिति ऐसी है कि हम जो है लाइन लगा के कोड़ा खाने के लिए तैयार है। तो ये है आज की हमारी शिक्षा पद्धति, शिक्षा विभाग का कामकाज। बहुत बहुत आप सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, आपने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। जैसा कि आपने सुना के शिक्षा विभाग में व्यापक तौर पर सुधार की जरूरत है, और जो पेरेंट्स और बच्चों की जो छात्रों की परेशानी है, जो फीस की जबरन वसूली है, कहीं ना कहीं इसमें जो हमारी चॉइस है, जो पेरेंट्स की चॉइस है कि मुझे किस तरह के विद्यालय चाहिए, सरकारी विद्यालयों में जबकि फ्री में एजुकेशन, फ्री में किताबें, फ्री में यूनिफॉर्म दी जा रही है, उसके बावजूद भी उसे छोड़कर अगर हम प्राइवेट और निजी विद्यालयों की खुद की च्वाइस रखते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और जैसा कि बोर्ड एग्जाम की बात है, हमारे सभी पैनलिस्टों ने कहा कि अगर फिजिकल एग्जाम्स होने हैं तो इसके लिए जरूरी था कि फिजिकल पढ़ाई भी होनी चाहिए थी, चूंकि ये लॉकडाउन की गाइडलाइंस थी, इसके बीच में कोई सुधार, कोई मांग नहीं की गई और इसी तरह से सिस्टम चलता रहा।
लेकिन अब आ गया है दौर ऐसा कि बच्चों को एग्जाम देना ही पड़ेगा। पेरेंट्स की भी टेंशन है, बच्चों की भी टेंशन है। जाहिर सी बात है कि अगर ये टेंशन जो है बच्चों का जो परफॉर्म है वो खराब कर सकती है, इसलिए सावधान रहकर और शांत रहकर एग्जाम देने की जरूरत है। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता फिलहाल तो नहीं दिख रहा। सरकार ने जिस तरह से वादा किया है कि बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी उसके साथ छूट दी गई है, कुछ नंबर्स भी और कम कर दिए गए हैं एग्जाम्स के और टाइम कुछ बढ़ा दिया गया है, तो निश्चित तौर पर एक राहत की बात है। अब देखना होगा कि जो बच्चों का एग्जाम आएगा वो किस तरह से होता है। आज की बातचीत और आज के सवाल कार्यक्रम बस इतना है। अगली बार हम फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, टीवी वन इंडिया। नमस्कार।